दोस्तों स्वागत है आपका एक्स मन्ना यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मेडिकल में जो मोबाइल ड्राइवर होता है, ठीक है, तो मोबाइल ड्राइवर जितना भी होता है एमआई का, ओप्पो का, वीवो का, ठीक है, सैमसंग का, एडीबी ड्राइवर, तो जो भी ड्राइवर है अभी जो 2021 में जितनी भी ड्राइवर है, ठीक है, टोटल ड्राइवर का जो सेटअप है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक और ड्राइवर है लाइव यूएसबी ड्राइवर, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आपको इसे डाउनलोड करना है और कैसे आपको इसे इंस्टॉल करना है, और वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि आप इंस्टॉल करने में अगर कोई मिस करेंगे तो आपका कंप्यूटर हैंग करेगा, बाद में कोई ड्राइवर मिस होगा तो फिर आपको मोबाइल बूट करने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए वीडियो 10 मिनट का वीडियो है ये, और ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना है, आपको इत्मीनान से देखना है आपको, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि मान के चलिए कोई प्रॉब्लम होता है आपको, तो डिस्प्ले पे मेरा नंबर शो कर रहा है, इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ज्यादातर आप मुझे कांटेक्ट करें तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं जो दो ड्राइवर यहाँ पे डाउनलोड कर चुका हूँ, एक ये है लाइव यूएसबी ड्राइवर, ठीक है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो आसानी से। और दूसरा ड्राइवर है जो है मेडिकल मोबाइल ड्राइवर 1.00। तो पहले मैं जो है इस ड्राइवर को इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ, और ये मेरा डाउनलोडिंग चल रहा था इसे मैं कैंसिल करता हूँ पहले। तो आपको इस ड्राइवर को जो है ओपन करना है और यहां से इंस्टॉल करना है, डबल क्लिक करेंगे ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो जिनका भी पुराना कंप्यूटर है जिसमें हार्डवेयर सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, तो ये ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे तो प्रॉपरली काम करेगा और जो दिक्कत नहीं होगा किसी तरह का आपको, ठीक है। इस तरह से आप इस ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ पे जो ऑप्शन है इसे कैंसिल कर सकते हैं। ये ड्राइवर इंस्टॉल हो गया, उसके बाद आपको ये मेडिकल मोबाइल ड्राइवर 1.00 इसे आपको इंस्टॉल करना, ये पूरा फुल्ली सेटअप है, इसमें टोटल ड्राइवर आपको मिलेगा, ठीक है, क्वालकॉम का, एमटीके का, मीडियाटेक का, एसपीडी का, एडीबी ड्राइवर, सारे ड्राइवर आपको इसी सेटअप में मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो चेक लगाना है, नेक्स्ट करना है, ये इंस्टॉल होगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको कीबोर्ड में वाई टाइप करना है और इंटर दबाना है, फिर कीबोर्ड में आपको वाई टाइप करना है, इंटर दबाना है, और तब तक आपको वाई टाइप करना है, तब तक आपको इंटर दबाना है, जब तक ये पूरा जो कंप्लीट ऑल डन ना लिख दे, ठीक है। यहां पे आपको वाई टाइप करना है, इंटर दबाना है। ऑल डन हो गया ये, बाकी इस तरह का कुछ पेज खुलेगा जिसे आप क्लोज कर सकते हैं, फिर यहां पे आपको ओके पे क्लिक करना है। तो बारी बारी से सभी ड्राइवर को आपको इस तरह से इंस्टॉल करना है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें तभी आपको समझ में आएगा। तो इसी तरह से आपको करते रहना है, नेक्स्ट करते चले जाना है, आपको यस पे क्लिक करना है, नो कहीं पे भी आपको नहीं करना है, जब तक ये कंप्लीट इंस्टॉल ना हो, जब पूरी तरह से ये इंस्टॉल होगा, ठीक है, तभी आपको इसका पीछा छोड़ना है, इससे पहले आपको कोई भी नो का ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है। और मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर में इस वीडियो के बाद, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को बता दूं कि दूसरी वीडियो में डालने वाला हूं थोड़ी देर में, लगभग 20-25 मिनट के अंदर में फिर दूसरा वीडियो आ जाएगा। तो उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अनलॉक टूल जो है, बहुत सारा कमेंट आता है, बहुत सारा कॉल आता है, बार बार सवाल पूछता है कि भाई अनलॉक टूल में कितना मॉडल सपोर्ट है, कौन कौन सा मोबाइल सपोर्ट है, कौन कौन से ब्रांड का जो मोबाइल है सपोर्ट है, ठीक है। तो इस वीडियो में जो दूसरी वीडियो में डालूंगा उसमें आपको बताऊंगा कि कितना मोबाइल सपोर्ट है, कौन कौन सा कंपनी का मोबाइल सपोर्ट है, वो सारा जो है आपको स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो में बताऊंगा, दूसरे वाले वीडियो में, जो कि 20-25 मिनट बाद में वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब चैनल पर, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको अनलॉक टूल के बारे में फुल्ली जानकारी मिल जाएगा। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं पहले से तो आपको सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकॉन पे क्लिक करके घंटी को जो है आप इनेबल कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो की मिलती रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां पे आपको करना क्या है कि यहां पे आपको कोई भी की दबाएंगे ये सेटअप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जैसे जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूं बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है और इतना से करना है। और यहां पे देखिए ये चाइनीज लैंग्वेज में आ रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा चाइनीज लैंग्वेज, तो लेफ्ट साइड में जो है लेफ्ट साइड में आपको क्लिक करना है, ये इंस्टॉल का ऑप्शन है, और राइट साइड में अगर आप क्लिक करेंगे तो एग्जिट हो जाएगा, तो आपको लेफ्ट साइड में ही क्लिक करना है ताकि ये ओप्पो का ड्राइवर इंस्टॉल हो सके जो लेटेस्ट ड्राइवर है।
तो इस सेटअप के अंदर में टोटल लेटेस्ट ड्राइवर है सभी का, एमटीके का, मीडियाटेक का, क्वालकॉम का, एडीबी ड्राइवर, सभी ड्राइवर इसमें इंस्टॉल है। टोटल ड्राइवर ये जो है आप इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यह है सैमसंग का ड्राइवर, तो सैमसंग का जो भी अभी लेटेस्ट मॉडल आया हुआ उनका भी ड्राइवर इसी में शामिल है, तो इस ड्राइवर को भी आपको इंस्टॉल करना जरूरी है। तो मैं आपको ये करूंगा कि अगर मान के चलिए आप इस सेटअप को इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में और पहले से आपके पास पुराना कोई ड्राइवर इंस्टॉल है एमटीके का, मीडियाटेक का, क्वालकॉम का, तो इस ड्राइवर को इंस्टॉल करने से पहले आप वो पुराने जितने भी सेटअप है ड्राइवर, जितने भी ड्राइवर है आपका पुराना वाला, टोटल को पहले आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल पैनल में जाकर के पुराने सभी ड्राइवर को पहले आप रिमूव कर दोगे। रिमूव करने के बाद कंप्यूटर को आप रिस्टार्ट करके तब ये सेटअप को आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। अगर पहले से ड्राइवर इंस्टॉल है तो इसको इंस्टॉल पहले नहीं करना है, पहले पुराने वाले को रिमूव करना है तब इसको आपको इंस्टॉल करना है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो होगा क्या कि पुराना ड्राइवर भी इंस्टॉल रहेगा, फिर ये नया ड्राइवर आप इंस्टॉल करोगे और नया ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हो पाएगा, बीच में हैंग कर जाएगा। जब ड्राइवर आपका हैंग कर जाएगा, आपके सिस्टम में हैंग करके ड्राइवर रहेगा, तो जब भी कोई आप पुराना मोबाइल लगाओगे वो तो बूट करेगा ही, लेकिन नया मोबाइल जब कोई लगाओगे तो वो मोबाइल आपका बूट नहीं करेगा और डिवाइस मैनेजर में आपका येलो मार्क का सिंबल दिखाएगा, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पुराने ड्राइवर को पहले सारे जितने भी पुराने ड्राइवर होगा आपके पास, क्वालकॉम का या अपने टीपीएस टूल में जो आपने ड्राइवर इंस्टॉल किया होगा, जो भी ड्राइवर इंस्टॉल किया आपने पुराना, क्वालकॉम, मीडियाटेक, एमटीके, एडीबी, तो वो सारे ड्राइवर को पहले आपको अनइंस्टॉल करना है, तब जाकर के ये सेटअप को आपको इंस्टॉल करना है, वो भी कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के बाद। पुराने ड्राइवर को अनइंस्टॉल करने के बाद कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है, फिर आपको ये नया ड्राइवर जो मैंने आपको दिखाया अभी आप वीडियो में, इसको आपको इंस्टॉल करना है। और डिस्प्ले पर मेरा नंबर शो कर रहा है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। सिर्फ अगर आपको कॉल करना है तो डायरेक्टली इसी नंबर पे कॉल करें, ठीक है। अगर व्हाट्सअप पे आप चैटिंग करते हैं, अगर मैंने आपको वहाँ पे रिप्लाई नहीं किया तो आप डायरेक्टली इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो। और अगर आपके पास पहले से कोई दूसरा नंबर है मेरा, आपके पास पुराना नंबर, तो उस नंबर पर कॉल बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको कॉन्टेक्ट करना है तो आप डायरेक्टली जो डिस्प्ले पे नंबर शो कर रहा है इसी नंबर पे ही आपको कॉल करना है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो ड्राइवर है ये आपका यूएमटी में भी काम करेगा, ये आपका एमआरटी में भी काम करेगा, कोई भी आपके पास डोंगल है सभी में ये ड्राइवर काम करेगा। और अभी 20-25 मिनट बाद फिर मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ अनलॉक टूल के बारे में, क्योंकि अनलॉक टूल का बहुत सारा कमेंट आता है, कॉल आता है कि कितना मॉडल सपोर्ट है, कितना मॉडल सपोर्ट नहीं है। तो अभी जो दूसरा वीडियो मैं डालूंगा 20-25 मिनट बाद, तो उस वीडियो में आपको बता दूंगा कितना मॉडल सपोर्ट है, कौन कौन कंपनी का मोबाइल सपोर्ट है, कैसे कैसे सपोर्ट है, वो सब मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी जो वीवो फोन का ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है, इसके बाद जो है कंप्यूटर रीस्टार्ट मांगेगा, तो कंप्यूटर को आपको रीस्टार्ट कर लेना है और उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, कोई भी ड्राइवर अलग से आपको इंस्टॉल नहीं करना है, सिर्फ आपको इसी ड्राइवर को यूज करना है और यही ड्राइवर आपका सभी में यू काम करेगा, चाहे वो क्रैक वर्जन रहे, चाहे वो एमआरटी का सेटअप रहे या चाहे वो यूएमटी का सेटअप रहे, सभी सेटअप में ये ड्राइवर काम करेगा, दूसरा कोई ड्राइवर आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप पर, और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।